ट्राई कर रही। मैं हैंडलिंग बहुत बढ़िया लगी मुझे, जावा 42 थोड़े हैंडलिंग में अलग है और ये 100 का तो बहुत आसानी से जा रही है। जय श्री राम। वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप पीछे देख पाएंगे, मैं जावा मोटरसाइकिल के यहाँ पे आया हूँ और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे मुझे बाइक मिल जाएगी तो उसका फुल डेप्थ वीडियो जो है रिव्यू मैं करूँगा। तो अभी मैं आ गया हूँ, तो वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले यार, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने पिछला वाला जो मेरा वीडियो था उसको बहुत सारा प्यार दिया यार, उसको 1 लाख के ऊपर व्यूज़ गए, तो थैंक यू सो मच। तो वीडियो चालू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाइट कलर है और मैं जावा शोरूम के सामने हूँ। यहाँ पे अंदर आप देख पाएंगे जो उनका ड्यूअल टोन कलर है वो भी है और जो कॉपर कलर आता है वो भी है। तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही बाइक आएगी, बाइक अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं उसका फुल डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर LED आता है जो इसका लाइट है, और यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे पैराक और जो इसके सस्पेंशन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। टायर भी आपको सेम मिलने वाला है। ये जो बाइबी के ब्रेक्स आते हैं इसमें, और जो आपको टायर साइज है मैं इसको दिखा दूँ, इसमें टायर आते हैं 190 और 18 इंच का जो इसका रिम है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और जो लिक्विड कूल आता है ये 6 स्पीड के साथ आता है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में जो पैराक का इंजन है वही सेम इंजन है जो 334 cc का आता है और 30 BHP प्रोड्यूस करता है और 32 Nm प्रोड्यूस करता है ये। और इंजन दिखने में सेम है पर इसमें एक ही चेंज किया है कि इन्होंने इसको क्रोम फिनिश दिया है। तो मैं पर्सनली जो क्रोम फिनिश रहता है उसका ज़्यादा फ़ैन हूँ क्योंकि मेरे पास जावा 42 है और उसमें क्रोम फिनिश ही आता है। और बाकी जैसे साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर का डिज़ाइन थोड़ा अलग किया है और यहाँ पर थोड़ा क्रोम फिनिश दिया है, तो इसके कारण जो लुक है इसका बहुत बढ़िया आ रहा है। और पैराक की बात करें तो पैराक में यहाँ पर पहले जो था ये मेटल पार्ट आता था, अभी फाइबर पार्ट दिया है। बाकी पीछे का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए। बढ़ते पिछले तरफ जो लाइट था टेल लैम्प यहाँ पे आता था और अभी इसमें पीछे दिया गया है, तो एक अच्छी बात है कि अभी पीछे दिया गया है। और जो ये टर्न इंडिकेटर्स है ये LED आते हैं। और इसके टायर साइज़ भी आपको मैं बता दूँ, इसका टायर साइज़ है जैसे आप देख पाएंगे 140 70 17 इंच का रिम आता है इसमें, और रिम भी अच्छे हैं इसमें। जो जावा 42 आया मेरे पास उसके रिम अलग थे, उसमें क्रोम फिनिश है, इसमें ब्लैकआउट थीम दिया है पूरा, तो ये दिखने में अच्छे आते हैं। और यहाँ पे जैसे भी आप देख पाएंगे यहाँ पे गाड़ी बहुत ह्यूज लगती है क्योंकि बहुत वाइड है ये गाड़ी यहाँ पे। और बढ़ते अभी सीट के तरफ, यहाँ सीट तो बहुत बढ़िया है इसमें क्योंकि जो पैराक की सीट थी उसका सिर्फ जो कलर था वो बहुत बढ़िया था, पर इसमें जो सीट है उसको पीछे ये जो आप कुशनिंग देख पा रहे हैं ये दिया है, तो इसके कारण सपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको बाद में बिठा के भी दिखा दूंगा। और जो पैराक है वो पैराक में कैसे जो फ्यूल टैंक था वो फुल आता था, तो इसमें अभी रबर का पैडिंग दिया है तो उसके कारण जो ग्रिप है बैठने के टाइम पे बहुत बढ़िया आती है। तो ऊपर से ये बाइक ऐसी दिखती है। अगर मैं आपको यहाँ का स्विच ऑन करके दिखाऊँ, जो इसका मीटर है ये डिजिटल आता है, तो देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें आपको सब आ जाएगा, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, टर्न इंडिकेटर्स है, फ्यूल का भी आ जाता है, ABS का भी दिखा देगा, और ये डिजिटल है तो अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि कौन से गियर में गाड़ी है, तो इसमें गियर इंडिकेटर भी है। और यहाँ पर जो है इसके सब सेटिंग है, जो मीटर की सेटिंग है आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और यहाँ का जो इसका जो अपर डिपर दिया है वो आगे दिया है और ये पास का भी बटन आगे दिया है, तो यहाँ पर रहता है बेसिकली। और यहाँ पे देखिए आप हॉर्न भी देख पाएंगे, अभी हॉर्न का आवाज़ सुना था मैं, हॉर्न अच्छा खासा लाउड है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिख जाएगा और ये यहाँ पे इसका किल स्विच है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये एक और प्लस पॉइंट है, ये इधर हजार्ड लाइट दिया है तो ये भी ऑन कर सकते हैं, जैसे आप आपको दिखा दूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता था पहले ये प्राइस रेंज में हजार्ड लाइट आनी चाहिए, तो अभी दिया गया है तो एक और एक बढ़िया बात है। जैसे कि यार पिछले वाले वीडियो में आप सब भाइयों ने मुझे पूछा था कि यार इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी है, मेरी हाइट मैं दिखा दूंगा, मैं 5'10" हूँ और उसके बाद भी मैं कंफर्टेबली बाइक चला पाऊँगा और मेरे जो नीचे जो पैर है आराम से टच हो जाते हैं। अगर 6 फीट का भी बंदा रहेगा तो भी वो कंफर्टेबली चला सकता है। हाइट बाइक ये बॉबर है तो ये थोड़ी हाइट में कमी रहती है, पर आपको बैठने के बाद और चलाने के बाद आपको फील नहीं होगा क्योंकि इसके जो ब्रेक पैड है और जो गियर लीवर है इसकी जो पोजीशन है ये थोड़ा चेंज किया है, ये थोड़ा आगे लिया है, पैराक का थोड़ा पीछे रहता था, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा और मैं आपको इसको चालू करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया
बताया था मैं 5'10" हूँ, मेरे जो पैर है आराम से टच हो रहे हैं, जो 5'5" है 5'6" है वो भी ये बाइक बहुत कम्फर्टेबली चला पाएंगे, उनको हाइट का कोई इशू नहीं आएगा। और शायद आपको दिखने में बाइक छोटी लग रही है, पर इसका जो ब्रेक का पोजीशन है ये थोड़ा आगे है, तो जब आप इसको राइड करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी आपको हाइट कम वाली बाइक लगेगी नहीं, तो ये अच्छी बात है। और आप ये आइए इसको चला के भी देखते हैं, और मैं आपको साउंड सुनाता हूँ इसका, ये साउंड कैसी लगता है। मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी चालू नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि गाड़ी का अगर स्टैंड लगा रहेगा, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेफ्टी फीचर्स दिया है जावा ने, और HD की सब बाइक में आती है कि अगर स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होती है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, पेराक में जो पोजीशन था, जो अपना गियर शिफ्टर रहता है उसका थोड़ा पीछे था, वो ऐसा था, इसका थोड़ा आगे है, तो आपको हाईवे पे थोड़ी अच्छी राइड मिल सकती है। थोड़ा आदत लगने को टाइम लगेगा, एक बार आप यूज़ हो जाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। आइए इसको चला के देखते हैं, मैं बताऊँगा कैसे दिखती है। और हमेशा जब भी आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनिए। और मैं अभी, ये डबल सीट नहीं है तो पीछे कोई कैमरा पकड़ के बैठने नहीं वाला, तो मैं GoPro जो मेरे पास 9 है उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको GoPro लगेगा ये, अगर आपको अगर मोटो ब्लॉग या कुछ करने, जैसे कि अभी ये चालू कर, तो जैसे कि अभी मैंने बाइक चालू कर दी है और मैं थोड़ा खुले रोड पे हूँ, यहाँ पे 3 लेन का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो ये गाड़ी हाथ में बैठने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जावा 42 है मेरे पास, और मैं 3 साल से उसको चला रहा हूँ, तो मुझे जो डिफरेंस अभी नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी इसको चलाया है, तो इसमें मेरी गाड़ी में 27 का PHP था और इसमें 30 है, तो ऑलमोस्ट 3-4 PHP का फ़र्क है, और वो आसानी से फर्क मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं 4 ईयर में अपने को दे रहा हूँ हार्ड, तो अच्छी खासी गाड़ी निकल रही है। तो ये गाड़ी 100 पे बहुत आसानी से जा रही है, और इसके जो टायर्स है साइज़ वो अच्छे खासे बड़े, पिछला वाला रियर टायर भी है वो थोड़ा बड़ा है, और फ्रंट टायर भी अच्छा खासा बड़ा है। और जैसे कि अभी मैंने बम क्रॉस किया तो उसमें भी मेरे को कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि जो जावा 42 का सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ था, और इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा सॉफ्ट है, तो ये आपको जैसे स्पीड ब्रेकर हो गया या कुछ हो गया उस पर भी आराम से आप चला पाएंगे। और अभी जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, इसमें जो गियर इंडिकेटर है और सब दिखाई देता है, तो बहुत सारे लोगों को गियर कौन से गियर में गाड़ी चली वो पता नहीं रहता है, तो ये इसमें एक अच्छी बात दी गई है। जैसे अभी यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर है, तो गाड़ी आराम से पास कर लेती है, आपको ज़्यादा सस्पेंशन स्टिक फील नहीं होता है। रेव लिमिट है वो 12,000 है, तो गाड़ी अच्छी भागने वाली है। मैं अभी टॉप स्पीड पे थे, तो टॉप स्पीड है तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि एक हिसाब आप देख पाएंगे मैं सिटी रोड पे हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को हाईवे पे लेके जाना है, तो उसका वीडियो मैं टॉप स्पीड का भी बाद में निकालूंगा कि गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो कितना है। अभी फिलहाल मेरे को बस, और इसका जैसे आप हॉर्न सुन पाएंगे, हॉर्न लाउड है पर इसका आवाज़ जो है थोड़ा अलग है, और इसके हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, जैसे गद्दी वगैरह में आप इसे आराम से निकाल पाएंगे। और ये 100 पे बहुत आसानी से निकल जाती है, अभी मैं 100 के ऊपर जा रहा हूँ, और अभी मैंने 6 गियर डाला। तो आप जब भी ऐसे हाई स्पीड पे जाना है तो हेलमेट ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये गाड़ी अगर मैं अभी 100 के ऊपर और मेरे को बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे, और इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को चलाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये ब्रेक की आदत है, 42 यूज़ करता हूँ मैं, तो ये सेम ब्रेक उसमें भी आते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं है ब्रेक में। और आपको जब बाइक चलाएँगे हाई स्पीड पर, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है, जो ब्रेकिंग पावर का जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पर मैं यू टर्न लेने वाला हूँ, देखता हूँ कि यू टर्न में मेरे को कुछ तकलीफ होती है क्या, क्योंकि जिसकी बाइक की हाइट कम रहती है और जो बाइक थोड़ी लंबी रहती है उसमें थोड़ा यू टर्न लेने में तकलीफ होता है। जैसे अभी मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मेरे को पैर वगैरह टच करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका अभी सेकेंड गियर से हार्ड एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, तो अच्छा खासा पिकअप आ रहा है मुझे।
टू मेरे पास होने के कारण जो पावर है इसका ये थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो इंजन है ये थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर भी अच्छा खासा दिया गया है। तो यार आप जैसे मैं भी बहुत दूर दूर पे जाता हूँ, मैं गोवा गया हूँ मेरे बाइक पे, तो मुझे मज़ा आता है वो गाड़ी चलाने में। तो इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो वो गाड़ी मैं ऑलमोस्ट 130 के आसपास लेके गया था, पर थोड़े मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहे थे वो गाड़ी पे। पर इसमें आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हुए, क्योंकि इसका सीट हाइट भी अच्छा खासा है और जो इसका सीट का कम्फर्ट है और जो पीछे जो इसका कुशलिंग दिया है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, और अभी तो ज़्यादा आदत नहीं मेरे को इसको सिटी में चलाने की। जैसे मैं तो थोड़ा यूज टू हो जाऊँगा, क्योंकि इसका जो जैसे आप इसको देख पाएंगे, ये जो इसका जो गियर लीवर है ये थोड़ा आगे का भी है, जावा का जो पेरक था उसका जो पीछे था उसमें हाइट थोड़ा अलग था। तो जैसे आप एक बार यूज हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपको ये गाड़ी बहुत बढ़िया लगेगी। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ा रास्ता खराब है, तो सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है इसका और सीट में कुशलिंग अच्छी होने के कारण मेरे को इतने बम्स जो है फील नहीं हो रहे। अगर आप सिटी में या ऐसे फोर्थ या फिफ्थ गियर में इसको चलाएंगे तो भी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर आप सिटी में सिक्स गियर पे चला नहीं पाएंगे। ये जो सिक्स गियर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे ही ज़्यादा यूज़ होता है, सिटी में ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यार इसकी प्राइसिंग जो है, मतलब बॉबर जो अपन लोग देखते हैं, जैसे ट्रायम की बॉबर हो गई या दूसरी कंपनी की बॉबर हो गई, वो बहुत महंगी रहती है। जैसे कंपनी में तीन कलर की है, एक जैसे मैं ये वाइट वाला चला रहा हूँ, और एक और जो कॉपर कलर आता है, और एक गोल्ड टोन कलर आता है। गोल्ड टोन ऑलमोस्ट जो रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर आता है उसका कॉपी है ऑलमोस्ट, तो दिखने में बहुत वो भी प्यारा लगता है। और वो सबसे महंगा है, जो उनका सबसे महंगा मॉडल है वो 2,00,000 से 2,10,000 तक जाता है, और 2,06,000 से इसकी प्राइस है। और ये अभी मैं पुणे में हूँ, तो पुणे में ये ऑलमोस्ट 2,55,000 की गिरेगी, जो हमने कलर बुक किया है वाइट और रेड, और ये 2,55,000 तक गिरेगी आपको। जैसे मैं फोर्थ गियर पे था और मैं एक्सेलरेटर देख रहा हूँ, और इसके ब्रेक भी आप देख पाएंगे कि आसानी से गाड़ी मेरे को कंट्रोल हो रही है, टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से यू टर्न ले लूँगा मैं, यहाँ पे शोरूम आ गया है यहाँ पे। और इसका रेडिएटर जो है वो अभी ऑन हो गया है, क्योंकि लिक्विड कूल दिया गया है इसमें इंजन। अभी यहाँ पे इसका कूल स्विच जो आता है, बस आपको ये दबाना है, गाड़ी बंद हो जाएगी, साइड स्टैंड लगाना है। तो अगर मैं अभी चालू करना करूँ चाहूँगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी, क्योंकि साइड स्टैंड लगा है। यहाँ से चाबी आपको ऑफ कर लेनी है यहाँ पे, जैसे आप देख पाएंगे, और यहाँ पे इसका हैंडल लॉक जो है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा मैंने गाड़ी चलाया, जो गाड़ी चलाने के टाइम पे मुझे पावर में जो कुछ इशू नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें जो मैं गाड़ी चला था उससे 3-4 BHP ज़्यादा ही है, तो मुझे पावर में डिफरेंस आया नज़र, क्योंकि बहुत अच्छा पिकअप था। अगर मैं फोर्थ फिफ्थ गियर में भी अगर हार्ड एक्सलेटर दे रहा था तो अच्छा खासा मुझे पिकअप आ रहा था। अभी मैं ट्राई करूँगा कि यार इसका जो एवरेज है, जो माइलेज एक्चुअल में सिटी में कितना देती है और हाईवे में कितना देती है। अभी शोरूम्स में सब बाइक्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ये सब करने के लिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि मुझे जैसे ही बाइक अवेलेबल हो जाए तो मैं एक फ्यूल इकोनॉमी कितनी है ये गाड़ी की सिटी में और स्पेशली हाईवे पे, क्योंकि हर एक का चलाने का अलग अलग तरीका रहता है। हाईवे पे गाड़ी अलग एवरेज देती है, सिटी में अलग से देती है, क्योंकि 6 गियर होने के कारण आपको 3rd-4th gear पे ही सिटी में चलानी पड़ेगी। 5th और 6th gear तो बहुत मुश्किल से जिधर आपको खुला रास्ता मिलेगा उधर ही डाल पाएंगे आप वो गियर। और ये कुछ गाड़ी का रिव्यू आज का ऐसा था। आई होप आज का जो वीडियो है फुल डेप्थ आपको अच्छा लगा हो। अगर अपने लास्ट वाले वीडियो में भी मेरे बहुत से प्यार बरसाया, बहुत से व्यूज़ आया मेरे, 1,20,000 के ऊपर व्यूज़ आया वो वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई होप आपको ये वाला भी वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो इस पर भी अच्छा खासा प्यार लुटाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को।